जांजगीर चांपा जिला के जिलाध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र विकास खंड जयजयपुर के खैरछिटी और भातमाहुल पहुंचे, जहां पर देखा गया कि बोराई नदी उफान पर है तथा पुल से 1 किलोमीटर दूर तक पानी भरा मिला तथा भातमाहुल में आधी बस्ती बाढ़ के चपेट में है। वहीं छोटी सी गांव बरेकेल की आधी बस्ती डूब चुकी है। बाढ़ के कारण मार्ग अस्त व्यस्त हो गया है और आवागमन रुक गया है। इसी तारतम्य में क्षेत्र का मुआयना करने पहुंचे जिलाध्यक्ष डॉक्टर चोलेश्वर चंद्रकार ने खैरछिटी और भात माहौल का हाल देखकर सरकार से किसानों और जनताओं की सहयोग करने की अवगत कराया जाएगा। किसानों और जनताओं के लिए कांग्रेस के हर एक सिपाही आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कहकर आश्वासन दिया। भात माहौल के सरपंच प्रतिनिधि विजय चंद्रा द्वारा 40 से 50 लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। यहाँ पर हमारे पूरा फैमिली का पूरा 25 एकड़ का प्लाट है जिसमें धान लगा हुआ था, तो ये सब पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म हो गया है। अच्छा, तो हम ये निवेदन करते हैं कि सरकार से कि हमारा इसमें एक बीज भी धान नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो इसके लिए जो कुछ हो तो सरकार अपनी तरफ से सहयोग शायद है ना, सहयोग राशि कुछ मिल जाए तो अच्छा है। बाढ़ से तो हम बहुत नुकसान हुई थे, पूरा धान लगे रहे थे वहाँ 25 एकड़ हम के जी, यहाँ पूरा हम एक बीज के आशा नहीं है लगा थे जी। तो एकर लिए जो कुछ भी हो जाए सरकार से जी, हम उनके जो कुछ भी सहायता कर सकते सरकार से कर दे। अच्छा, आपकी हम उनसे कहना है। ये मार्ग जयजयपुर विधानसभा के खैरछिटी से भातमाहुल जोड़ने वाली मार्ग है। मैं अभी यहाँ आके ग्रामीण जनों से मिल के यही चर्चा किया कि आपके गांव में कितने खेती किसानी प्रभावित हुई है। यहाँ के किसानों ने कहा कि 25-30 एकड़ का यहाँ हमारा रकबा है वो प्रभावित हुई है। निश्चित तौर पे मैं फसलों को देख रहा हूँ, मुआयना कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जलमग्न हो चुकी है और ये बोराई नदी है। आज हम सबको इन किसान भाइयों के साथ हमारी भूपेश सरकार खड़ी है, उनके साथ देंगे निश्चित तौर पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे किसानों का जहाँ जिनकी बाढ़ आपदा में ऐसे फसल का नष्ट होना, हम निश्चित तौर पे उन किसानों के साथ खड़े होकर कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP24 न्यूज़, जांजगीर चांपा।